दीदी जल्दी करो, सब्जी आज ही बनानी है। हाँ दीदी, प्याज कट जाए तो सब्जी भी बना देती हूँ। दीदी अब तक आप प्याज ही काट रही हो, उनको मुझे खाना भी देना है, कब जाएंगे वो ऑफिस? हाँ दीदी, बस प्याज कट जाए, काटने तो दो, फिर सब्जी भी बना दूंगी, तुम काहे चिंता करती हो। आज कट जाएंगे या 2-3 साल और लगेंगे? नहीं, बता दो ना, मैं उनको ऑफिस ही भेज देती हूँ। हाँ, भेज दो, मुझे टाइम लग जाएगा। मैं चला ऑफिस, प्याज शाम तक कट जाएंगे, रात का डिनर कर लूंगा। आपके पति तो बहुत इंटेलिजेंट है। एक काम करती हूँ, अभी तो सो जाती हूँ, मालिक तो रात को आएंगे, रात में तो अभी बहुत टाइम है, रात को काट लूंगी। दीदी जाओ जाके चाय बना लाओ। दीदी चाय वाय हम नहीं बनाएगा, चाय से हमको गैस की बीमारी हुई थी, बहुत तकलीफ होती है। अरे पीने को नहीं कह रही हूँ, बनाने को कह रही हूँ, पीने से गैस होती है, बनाने से नहीं। दीदी हमका बनाने से ही गैस हो जाता है। अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो आप बता दीजिएगा, हम चलता है, आप दूसरी बाई रख लेना। अरे नहीं दीदी, आप रहने दो, मैं बना लाती हूँ, आप कोई दूसरा काम कर लो। A few moments later. दीदी जाओ करेले की सब्जी बना दो, उनकी सेहत के लिए फायदेमंद है। करेला? करेला फरेला हम नहीं बनाएगा, करेला तो बहुत ही कड़वा होता है, छी 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 छी। अगर ये सब बनवाना था तो हमका पहले ही बता देती, तुम कोई और काम वाली देख लो, हम नहीं करेगा ये सब, हमसे ना हो पाएगा। अरे नहीं तुम रहने दो, मैं ही बना लूंगी। A few moments later. दीदी रात के लिए चिकन बना दो। चिकन? दीदी हम शुद्ध शाकाहारी हैं, हम तो नाम लेने से ही अशुद्ध हो जाता है, हम ना बनाएंगे चिकन पिकन। अच्छा तो पनीर बना दो। ई का बात कर रही हो दीदी, हम पनीर खाते भी नहीं है तो हम बनाएंगे भी नहीं, बनानी होगी आपको। ठीक है तो आप दूसरी बाई ढूंढ लीजिए और हमारा हिसाब कर दीजिए पिछले महीनों का। हाँ सारा हिसाब कर देंगे तुम्हारा, मेड रखने का कोई फायदा ही नहीं जब तुम कोई काम ही नहीं करोगी। बताओ अपना सारा हिसाब। ई महीना का 10,000, पिछले महीना का 8,000, उससे पिछले महीने का होता है 2,000 रुपया, और उससे पिछले महीनों का कुछ जमा गुना घटा करके निकलता है 2,00,000 रुपया। आप हमका हमरा 2,00,000 रुपया दे दीजिए, हम यहाँ से चलता है। दीदी आप तो हमारी बड़ी बहन जैसी हो ना, आपको हम कैसे जाने दे सकते हैं। आप यहीं रुको, किचन में सब कुछ बर्तन चिकन पनीर सब मैं कर लूँगी, आप बस आराम कीजिए। और वो टीवी पे नागिन आने वाला है ना, आप वो देखिए ना, मैं सब काम कर लेती हूँ। हाँ मैडम जी। हेलो दीदी कहाँ हो, अब तक नहीं आई, चाय बनानी है इनके लिए। बस 5 मिनट लगेंगी, आ रही हूँ रस्ते में ही हूँ। ठीक है आ जाओ। One hour later. हेलो। अरे दीदी कहाँ रह गई, नाश्ता भी तैयार करना है उनके लिए, लेट हो रहे हैं वो। दीदी बस 2 मिनट दो, मर्द का दारू का बॉटल छूट गया था, वही पहुँचा कर आ रही हूँ, रस्ते में ही हूँ। ठीक है। Two hours later. अरे दीदी कहाँ रह गई, कब से 4-5 मिनट बोला हुआ है, इनको ऑफिस भी जाना है और अब तक इनका टिफिन भी रेडी नहीं है। बस पहुंच ही गई, वो मर्द का दारू की बोतल की जगह दूध का बोतल पहुंचा दिया था, वही घुमा कर आ रही हूँ, बस दरवाजे पर ही पहुंचने वाली हूँ, अब दरवाजा खोल कर रखो। दरवाजे सारे खुले हुए हैं,
तुम आओ तो सही। हाँ हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। ठीक है। दीदी ऐसे कौन से रास्ते से आ रही हो जो अब तक नहीं पहुंची? सुबह से इंतजार कर रहे हैं हम तुम्हारा, इनको ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। सर को ऑफिस जाने को बोल दो, मैं नहीं आ रही आज। क्या? हाँ मैडम, पति को दारू की बोतल की जगह फिनाइल का बोतल दे दिया था। पति ऊपर चले गए हैं, मैं 13 दिन तक नहीं आ पाऊंगी। क्या? बेटा बोलो। वो सही नहीं लग रहा तो दूसरा ले लो ना, एप्पल सही रहता है, वही लेना। हाँ। अरे वाह दीदी, आपका बेटा क्या कह रहा था? फल खरीद रहा था ना, एप्पल ही सही है, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अरे दीदी आप ये क्या बोल रही हो अंग्रेजी में? मुझे अंग्रेजी थोड़ा कम आती है। अरे मैं कह रही हूँ एप्पल ही सबसे बेस्ट फल होता है, उससे खाने से बीमारियां भी नहीं होती। अरे नहीं नहीं दीदी, वो लैपटॉप ले रहा था, HP का ले रहा था, मैंने मना कर दी, वो सही नहीं रहता, एप्पल का बढ़िया रहता है। दीदी ये फोन का कवर है या सच में एप्पल का ही फोन है? अरे दीदी अपने जैसा समझी होगा, ये एप्पल का है, 11 Pro 512 GB। दीदी कल मेरे को मेरा पैसा दे देना, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है बच्चों के साथ घूमने के लिए। हाल ही में हम बैंकॉक घूम के आए थे बच्चों के साथ, अब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे आपके पैसों से। अरे कितना हुआ है तुम्हारा जो तुम मेरे पैसों से ऑस्ट्रेलिया चली जाओगी? 5 लाख हुए हैं। क्या? हाँ अमीर बाई रखी है तो इतना तो मेंटेन करना ही पड़ेगा ना, दाम बढ़ गया है इतना तो चलता है। दीदी अब से सारा झाड़ू पोछा मैं ही कर लूंगी, आप चली जाओ। 5 लाख तो मेरा पति साल में भी नहीं कमाता है जितना आप 1 महीने में मांग रही हो। हाँ तो खुद ही कर लो ना, मैं 5 लाख रुपए से एक भी कम में नहीं करूंगी। आने दो पति को, उनको बोलूंगी जॉब छोड़ने को, अब दोनों मिलके झाड़ू पोछा करेंगे, मंथली 10 लाख तो आ ही जाएंगे। हंस रही हूँ वहां से तुम कोई और बाई देख लो, हम चलती। कैमरा रुक यार।